उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रही मायावती का कहना है कि उन्हें डर लग रहा है। मायावती को डर है समाजवादी पार्टी से, वो भी ऐसे वक्त में जब ना तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है ना ही बीजेपी के साथ। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए लंबे चौड़े ट्वीट कर डाले। खबर में ट्विस्ट ये कि मायावती ने न सिर्फ अखिलेश यादव को घेरे में लिया बल्कि योगी सरकार से मदद भी मांगी। मायावती की पोस्ट के बाद अखिलेश यादव और यूपी सरकार दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती का कहना है कि सपा दलित विरोधी पार्टी है और दलितों को धोखा देती है। मायावती ने ट्वीट किया, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। मायावती ने अपनी बात में 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, साथ ही एक पुल की बात भी कही। मायावती लिखती हैं, सपा के दलित विरोधी फैसलों में बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों व राष्ट्र प्रमुख को भी हानि पहुँचा सकते हैं। मायावती ने जिस पुल की बात कही उसके बारे में बता दें कि लखनऊ के मॉल एवेन्यू में बीएसपी कार्यालय के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण सपा कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। बीएसपी ने उस पुल निर्माण का विरोध किया था। सपा के कारनामों से डरी मायावती ने योगी सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। कन्हैया बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हों के विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूं, जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है, 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीते। मायावती द्वारा लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी सामने आया, देखिए उनका ये वीडियो। ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था के बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया, फिर एक स्वीकृत कर दिया ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लग गए पुल नहीं बनने देंगे और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा तो वो सहमत हुए, उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे वो ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ और कम समय में ये ब्रिज बना था, आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे अगर आपको याद हो।
तो तोड़वा दे सरकार, बीजेपी से मिले हुए तोड़वा दे पुल को, इसने मना किया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई है हमारी साथी विभावरी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराघ, देखते रहिए दीलाल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।